न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद के झड़िया में बीसीसीएल कोलियरी आरके माइनिंग ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग में कार्यरत हाजरी बाबू की हत्या सोमवार को कर दी गई। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव के साथ आउटसोर्सिंग पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस ने परिजन और स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्यशैली से परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आउटसोर्सिंग कंपनी के हाजरी बाबू मोहित श्रीवास्तव की हत्या हो गई, जिससे शव गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के कुछ दूर पर पुलिस को मिली थी। जांच के बाद झड़िया थाना के इंस्पेक्टर पीके सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके पहले कि लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते, इंस्पेक्टर ने उन्हें आउटसोर्सिंग छोड़ जाने की धमकी दी। पुलिस के पास परिजनों ने अपनी बात रखी कि इंस्पेक्टर आग बबूला हो उठे। इंस्पेक्टर परिजनों को गाली गलौज करते हुए धक्का देकर आउटसोर्सिंग से बाहर करने लगे। इसके बाद परिजनों के ऊपर इंस्पेक्टर ने लाठीचार्ज किया। पुलिस बल ने भी लाठीचार्ज करते हुए मौके पर मौजूद लोगों को खदेड़ दिया। लगा होगा कि घटना का परिप्रेक्ष्य क्या है, तो ऑलरेडी निमियाघाट थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वहाँ की पुलिस और धनबाद की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये केस की अनुसंधान कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी जो है कुछ झुंड में कुछ असामाजिक तत्व के ग्रुप में और उसके साथ कुछ लोग आ गए आरके ट्रांसपोर्ट में काम को बाधित करने के लिए। हम लोगों ने चेतावनी दिया कि चूँकि पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है और जो यहाँ के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु हुई है, तो स्वाभाविक है कि दुख सबको है, चूँकि यहाँ काम करते थे वो, तो हम लोग ने कोशिश किया उनको जानकारी के अनुसार आरके ट्रांसपोर्ट प्रबंधन द्वारा नोटिस चिपकाया गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी कर्मी बाहर जाता है तो लिखित आवेदन देना है। क्या रोहित कुमार लिखित आवेदन दिए हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि अभी जो विषय वस्तु पर आप पूछ रहे हैं उस सवाल को आप पूरा करने दीजिए। पहली चीज़ क्या है कि जैसे प्रबंधन से हमारी जो बात हुई तो उनके पास एक रजिस्टर होता है इन और आउट का, सीसीटीवी फुटेज है, तो सारा चीज़ जो है अनुसंधान का विषय है, किस परिस्थिति में आदमी गया और डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस क्या है नहीं है, तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। निमियाघाट पुलिस या बोरागढ़ पुलिस या कुटिया पुलिस या केंदुआ पुलिस या तेतुलमारी पुलिस, जहाँ जहाँ इस तरह का सिक्वेंस जुड़ा हुआ है, पुलिस उसको गहराई से और सूक्ष्मता से जाँच करेगी। और इस घटना से हमको लगता है आधा परिदृश्य तो उठ चुका है और जल्दी इसका तस्वीर साफ हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। तो ये मेरा उद्देश्य था कि चूंकि यहाँ के कर्मचारी है, उसका जो भी फंड से संबंधित, ग्रेचुटी से संबंधित और पीएफ से संबंधित या उसके आश्रित को नौकरी देने की बात है, इस सब बिंदु पर सहानुभूतिपूर्वक प्रबंधन हमसे बात किया है कि चूंकि हम लोग को दुख है कि मेरा कर्मचारी था और उसके साथ इस तरह की हादसा हुई, तो इसके लिए आपको प्रबंधन को भी साथ देना होगा। तो हमारा यही कहना था कि इस तरह का भीड़ आ करके बीसीसीएल का यहाँ प्रोडक्शन है, कोल का डिस्पैच है, यहाँ कोई तोड़ फोड़ करे, पदाधिकारियों के साथ मिसबिहेव करे, यहाँ सीआईएसएफ की टुकड़ी खड़ी है, तो वो एक गलत मैसेज जाता है। तो हम लोग का, स्थानीय पुलिस का ही उद्देश्य था कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करें। इवन कि उनके परिजन से बात हुई है, परिजन ने सहमति भी दी है कि सर इन बिंदु पर यदि गहराई से विचार किया जाएगा तो हम लोग पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का, परिजन का कहना है कि हम लोगों को न्याय मांगने आए थे, हम लोग पर लाठी बरस नहीं, इसमें मृतक के परिजन का कोई दोष नहीं है। प्रबंधक के इशारे पर उन्होंने से लाठी चाहिए? नहीं, देखिए, मृतक का परिवहन का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस घटना को दूसरे प्रदर्श में डाइवर्ट करना चाहते हैं और लोगों को ध्यान हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है इसी भीड़ में कुछ इस तरह का असामाजिक तत्व हो जिसका इस घटना से लिंक हो, तो पुलिस सारे बिंदु पर गहनता से और सूक्ष्मता से जो है अनुसंधान करेगी और उसके साथ जो न्याय की बात है, प्रबंधन से साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उस पर हम लोग उसको प्रबंधक कल विशाल कुमार का बयान था कि हमसे छुट्टी 2 घंटा का मांग के गया, आज उनका कहना है कि मेरे को मालूम ही नहीं कि कब गया। देखिए, एक चीज़ आपको हम क्या बोले कि प्रबंधन क्या कह रही है, नहीं कह रही है, कहाँ क्या बोल रही है, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज की बात है, पुलिस अपने हिसाब से अनुसंधान करेगी और जाँच करेगी और जो फैक्ट है वो आम लोगों के सामने।